हो गया जी। नमस्कार, चौधरी राजेंद्र सिंह मेमोरियल लाल इंडिया एंड वॉल सेम्पियनशिप जो कि जींद जिले में चल रही है, उसके तीसरे दिन में आपका पुनः स्वागत है। आज के मॉर्निंग सेशन का ये पहला मैच है, हिमाचल वर्सेस पंजाब। भाग जा इसको ऊपर करते चिंटू सफेद की ताड़ियाँ करते वो बोल रहा है सफेद की देता है कलरफुल पंजाब की टीम होंगे लेकिन मैं ना बोलूँ तो बैठ जाता है कैमरा मानना का जरा तो ये क्या कर रहा है थोड़ा चला था बहुत चुप रहा बोला Верана. साहब एक लोग क्यों आवाज़ सुना हो ऑर्डर लगती है आवाज़ सुना बता दे टीम बता जाएगा टीम का तुम डाल रखो ओके ब्रेकफास्ट आयो बारह कौन? स्कोर है जी 12 हिमाचल 11 पंजाब। हिमाचली टीम आक्रमण पर और ये बहुत अच्छा गोल हिमाचल के प्लेयर के द्वारा। और पंजाब के खिलाड़ी पेनल्टी लेने में कामयाब रहे। और गोल करने में कामयाब रहे पंजाब के खिलाड़ी। हिमाचल की टीम आक्रमण पर और ये फर्स्ट टाइम आउट हुआ हिमाचल को। मुद्दा क्यों पड़ा है? मैच का लाइव स्कोर है 13-12, 13 हिमाचल 12 पंजाब। हिमाचल की टीम 1 की लीड से आगे चलते हुए। और टाइम आउट का समय समाप्त। हिमाचल की टीम आक्रमण पर पंजाब की टीम के खिलाड़ी बॉल काटने में कामयाब रहे और एक अंक की ओर बढ़त की अपने खाते में और यह स्कोर बराबर होता हुआ हिमाचल की टीम आक्रमण पर। और ये गोल मारने का प्रयास 9 मीटर का इशारा रेफरी के द्वारा। और ये मैच का हाफ टाइम जिसका स्कोर है 13 बराबर। और ये हाफ टाइम के बाद दोबारा से मैच शुरू होने वाला है। हाफ टाइम का स्कोर था 13 बराबर। पंजाब की टीम आक्रमण पर। और ये पंजाबी टीम के 4 नंबरी खिलाड़ी को एडवांस उठाया। जिसको क्रॉसिंग करवा के निकलवा दिया गया, लेकिन गोल करने में नाकामयाब रहे पंजाब के खिलाड़ी। हिमाचली टीम अटैक पर। और ये गोल करने में कामयाब रहे हिमाचल की टीम के खिलाड़ी। पंजाब की टीम आक्रमण पर, बहुत अच्छा गोल पंजाब की टीम के 4 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी के 21 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी के द्वारा। और हिमाचल की टीम आक्रमण पर, बहुत अच्छा डिफेंस पंजाब की टीम के खिलाड़ी के द्वारा। और जंप शूट की ट्राई, वो 2 नंबरी जर्सी वाले खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन नाकामयाब रहे गोल करने में। पंजाब की टीम आक्रमण पर, और ये 2-3 मैनों के बीच से निकलकर गोल करने का प्रयास, लेकिन नाकामयाब रहे पंजाबी टीम के खिलाड़ी। नाइन मीटर का इशारा रेफरी के द्वारा। हिमाचल की टीम अटैक पर, और ये मूवमेंट बनाने का प्रयास किया हिमाचल की टीम ने, लेकिन डिफेंस टाइट होने के कारण नाकामयाब रहे मूवमेंट बनाने में। पंजाब की टीम आक्रमण पर, और मिस पास 2 नंबर की पोजीशन पर खेलते हुए खिलाड़ी के द्वारा। बहुत ही अच्छा डिफेंस पंजाब के खिलाड़ी के द्वारा। हिमाचल की टीम आक्रमण पर, और ये पैरेलल बनाने की कोशिश की हिमाचल की टीम ने, लेकिन टाइट डिफेंस। बहुत ही अच्छा डिफेंस पंजाब की टीम के द्वारा, और 9 मीटर का इशारा रेफरी के द्वारा। फिर से 9 मीटर। और ये पैरेलल बन चुका है, लेकिन जंप में टच करने की वजह से पेनल्टी। देखते हैं क्या कुछ होता है। क्या हिमाचल की टीम कामयाब रहती है गोल करने में, और बहुत अच्छे कीपर के द्वारा बहुत अच्छा बचाव, लेकिन रिबाउंड लिया 5 नंबर खिलाड़ी ने और गोल करने में कामयाब रही। पंजाब की टीम आक्रमण पर और बहुत अच्छा खेल गोलकीपर द्वारा। और ये क्या, जितनी तारीफ की जाए इस गोल की उतनी कम है। और हिमाचल की टीम ने अपने खाते में एक और अंक दर्ज किया। 4 नंबर के पंजाब की टीम के खिलाड़ी को एडवांस और 2 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी को भी एडवांस उठाया गया। और ये 9 मीटर का इशारा रेफरी के द्वारा। प्यार नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी को एडवांस, लेकिन चकमा देकर निकल गए। बहुत ही टाइट डिफेंस हिमाचल की टीम के द्वारा। और ये 9 मीटर का इशारा। पेशू का इशारा रेफरी के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि पेशू जब होता है उसमें 3 सेकंड के अंदर गोल मारना होता है, जो कि पंजाब की टीम ने कर दिखाया और गोल करने में कामयाब रहे पंजाब के खिलाड़ी। हिमाचल की टीम अटैक पर। और ये रनिंग हिमाचल के प्लेयर के द्वारा, जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। और 9 मीटर का इशारा रेफरी के द्वारा। पंजाब की टीम आक्रमण पर और बहुत ही अच्छे जंप शॉट की ट्राई, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। जिसकी वजह से आक्रमण पर हिमाचल की टीम। हिमाचल की टीम आक्रमण पर। और ये बहुत ही अच्छे गोल करने का प्रयास हिमाचल की टीम के लेफ्ट विंग के द्वारा, लेकिन नाकामयाब रहे। हाफ टाइम के बाद फर्स्ट टाइम आउट बाय पंजाब टीम कोच। रघु पंजाब टीम कोच, जो कि अपने समय के टॉप के गोलकीपर। और ये टाइम आउट का समय समाप्त। पंजाब की टीम आक्रमण पर और बॉल इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया हिमाचल टीम के खिलाड़ी ने, लेकिन नाकामयाब रहे। और ये पीपी के द्वारा पेनल्टी ली गई। और ये ग्रिप गोलकीपर के द्वारा बहुत ही अच्छा सेव। हिमाचल की टीम ने गोल करने का प्रयास किया लेकिन नाकामयाब रहे। और ये पंजाब की टीम के खिलाड़ी के द्वारा बहुत ही अच्छा गोल। मैच का स्कोर बराबर चल रहा है। और ये 9 मीटर का इशारा रेफरी के द्वारा। हिमाचल की टीम अटैक पर। बहुत ही टाइट डिफेंस है पंजाब की टीम का। और ये कॉम्बिनेशन, व्हाट कॉम्बिनेशन है, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। हिमाचल की टीम के प्लेयर पेनल्टी लेने कामयाब। और गोल करने कामयाब रहे हिमाचल की टीम के प्लेयर और अपने खाते में रन दर्ज किया। पंजाब की टीम आक्रमण पर। और ये पास पकड़ने में नाकामयाब रहे पंजाब के लेफ्ट विंग, जिसके कारण गोल हिमाचल के पक्ष में। पंजाब के खिलाड़ी ने अटैक कर वो जंप में खींचा, जिसकी वजह से पेनल्टी लेने में कामयाब रहे हिमाचल के 13 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। और बहुत अच्छा गोल हिमाचल के खिलाड़ी के द्वारा। पंजाब की टीम आक्रमण पर और पेनल्टी इन फेवर ऑफ पंजाब। और मैच का स्कोर है 19-19। बहुत ही काटेगा मुकाबला। और ये पंजाब की टीम आक्रमण पर। बहुत ही अच्छा डिफेंस हिमाचली टीम के खिलाड़ियों के द्वारा। और ये गोल करने का प्रयास लेकिन नाकामयाब रहे ही पंजाब के टीम के खिलाड़ी। एडवांस डिफेंस लिया है पंजाब की टीम के खिलाड़ियों के द्वारा। पुटिंग और ये लास्ट टाइम पे ऐसी गलतियाँ और बहुत अच्छा मैच। और इस मैच की समाप्ति